डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अहमदाबाद में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे दो सांसद किरीट सोलंकी और शंभू प्रसाद तुंडिया को दलितों आदिवासियों का तीखा विरोध झेलना पड़ा। दोनों सांसद अहमदाबाद में जैसे ही बाबा साहब की मूर्ति के करीब पहुंचे, वहां इकट्ठा गुजरात के दलित विधायक मेवाणी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मेवाणी समर्थकों ने दोनों सांसदों को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहां जमा मेवाणी समर्थकों ने आरोप लगाया कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बीजेपी शासित राज्यों में भड़की और दलितों के साथ हिंसा की गई। हमारे लोगों पर हमले हुए, हमारे लोगों को राजस्थान में, एमपी में, जहाँ पे भी बीजेपी की मनुवारी सरकारें हैं, वहाँ पे हमारे लोगों को बहुत सताया है, बहुत तड़पाया है, सबको जेलों में बंद किया गया है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको टारगेट कर करके बंद किया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि सवर्णों ने हम पे गोलियां चलाई है। इस बीजेपी की मनुवारी सरकार को नेतो नाबूद करना है हमें, हर एक दलित को जगाना है हमें, मुस्लिम और आदिवासियों का साथ है हमें, और इन भाजपाइयों को, इन बलात्कारियों को हम उनकी औकात दिखा के रहेंगे। हमारे दलित राष्ट्रपति जी जो दलित होने का दावा करते हैं, वो अपने दलित होने का कर्तव्य निभाए। ये दलित समर्थक होने का दावा करने वाली मोदी सरकार अपना कर्तव्य निभाए और एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करे।